हालेलुया। जिस सिस्टर का नाम राज है और जो अमृतसर कनूपुर काले गांव के रहने वाले हैं, और जिस सिस्टर की गवाही जे के जे बता रहे कि बचपन से इनको दुष्ट आत्मा का अटैक होता था, जिसके कारण जे बहुत परेशान थे, और जे बताते हैं कि जे काफ़ी ऐसे काफ़ी जगह पर भी जे गए थे कि दुष्ट आत्मा से आज़ाद हो जाए, पर जे सिस्टर बहुत परेशान रहते थे। और जैसे इनकी मैरिज हो गई, जे प्रभु के ऊपर विश्वास करने लगे, और जे सिस्टर बता रहे कि ऐसे फिर भी जो दुष्ट आत्मा थी इनके जीवन में ऐसे अटैक करती थी, और जिसके कारण इनके जीवन में बहुत सारी बीमारियां भी थी, जैसे सर्वाइकल, पेट में दर्द, सिर की प्रॉब्लम, जोड़ों का दर्द, और जिसके कारण जे सिस्टर बहुत सारी मेडिसिन भी खाते थे। और जे बता रहे कि जे सिस्टर 1.5 महीने से इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़े थे, और जे सिस्टर 17 अक्टूबर संडे की मीटिंग में आए, और उस दिन सिस्टर इनके घर में काफ़ी ऐसे झगड़ा हो चुका था, इनको काफ़ी ऐसे क्रोध भी आ रहा था, जिसके कारण जैसे जे संगति में नहीं थे आ रहे, पर इनकी फैमिली इनको लेकर आए जैसे, तो जैसे आए और इनके ऊपर दुष्ट आत्मा आ गया। सबसे पहले हम उस क्लिप को देखते हैं। कौन है बोल। चल यीशु के नाम से, चल छोड़ उससे शैतान, चल निकल इसकी बॉडी से पूरी तरह से। चल जिस कारण भी तूने इसके जीवन में अटैक किया है, चल मैं खुदा का दास होने के नाते तुझे इसके जीवन से डिस्कनेक्ट करता हूं शैतान। चल छोड़ पूरी तरह से इसे, चल छोड़, निकल, आउट, फ्री, आउट। चल पूरी तरह से इसके जीवन से होकर आउट, आउट, फ्री, फ्री द नेम ऑफ जीसस। चल शैतान तेरी शक्ति को इसके जीवन से मैं खत्म करता हूं पूरी तरह से। चल पूरी तरह से, चल 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 पूरी तरह से, चल छोड़ उसे पूरी तरह से, चल पूरी तरह से तेरी शक्ति को मैं नाकाम करता हूं यीशु के नाम से। चल पूरी तरह से, पूरी तरह से इसके जीवन से उखाड़, आउट, आउट द नेम ऑफ जीसस, बी हील, फ्री, फ्री। तारीख करो, ठीक है, कम वर्शिप सॉन्ग बता रहे कि जैसे ही जिस संगति में आए इनके लिए ले एंड हुई, और जैसे जो दुष्ट आत्मा से आजाद हुए, और जब बता रहे कि उस दिन से ही जो इनकी प्रॉब्लम थी, बीमारियां थी जैसे सर्वाइकल की, उससे भी जो सिस्टर बिल्कुल अच्छे हैं, और जो पेट की दर्द रहती थी उससे भी जो सिस्टर अच्छे हैं। और जब बता रहे पेट की दर्द कब से थी, कितने समय तक रही? माइक ऑन करो जी, दूसरा लो। ये नए माइक के लेकर आए हैं, क्या प्रॉब्लम है आपकी? हर बार 2-3 साल हो गए सर्वाइकल। सर्वाइकल आपको 3 साल से? हाँ जी। और ये जो पेट में दर्द रहती थी ये कब से थी? ये भी काफी देर ही हो गई। काफी देर मतलब 6 महीने, साल, 2 साल? पेट में दर्द थी वो कितने समय से थी? साल, 6 महीने, 2 साल के, 5 साल? 2-3 साल हो गए। 2-3 साल हो गए आपके पेट में दर्द रहती। और ये जो आप बता रही है बच्ची दुष्ट आत्मा, ये बचपन से थी आपको? हाँ जी, बचपन तो ही। और इसके लिए आप कहाँ गए? पड़ा सियाने को मेरे माँ प्यो ने इलाज कराया, पर फर्क नहीं। बहुत सियानों के पास गए, माता पिता ने बहुत इलाज किया करवाया, हाँ जी। मतलब पर कुछ भी नहीं हुआ? ना, हाँ? ना। और उसके बाद आपकी शादी होगी? हाँ जी। शादी के बाद भी ये चीज ऐसे ही आपके ऊपर अटैक आते थे दुष्ट आत्मा के? हाँ जी। फिर उसके बाद भी आपके जो आपके हस्बैंड है पति, वो भी लेकर जाते रहे? हाँ। कहाँ पर वो लेकर गए? वो भी काफी सियाने को खड़े, काफी सियानों के पास। हाँ, उनको भी बुलाओ। और आपको
आपको प्रभु में आए हुए कितना टाइम हो गया? हो ही गए दो दो महीने हो गए, दो ढाई महीने। यहीं से आपने शुरू किया? हाँ जी, यहीं से शुरू किया है। हाँ हाँ ठीक है। क्या नाम है आपका भाई साहब? हाँ सामने देखो, क्या नाम है आपका? मंगल सिंह। मंगल सिंह, हाँ जी। तो आपकी शादी को कितना टाइम हो गया? हो गया, दे दो माइक, दे दो, कोई बात नहीं, दे दो। हो गई गया जी, अपना कोई 35 साल हो ही गया। 35 साल हो गया। और जब से आपकी शादी हुई है तब से इनकी हालत ऐसे अटैक होते थे दुष्ट आत्मा के? हाँ जी बहुत जी, बहुत ज्यादा। हाँ जी, ये क्या करते थे जब दुष्ट आत्मा का अटैक होता था? एक गुस्से जे होंदे ही जी, कदी कुछ कर दे, कदी कुछ, कदी न्याणे ना लड़, कदी मेरे ना लड़, कदी फिर इना मंजे दे पए रहना। दुष्ट आत्मा ऐसे अटैक करती थी बच्चों के साथ जे लड़ते थे? हाँ जी, जहाँ मतलब चारपाई पे लेटे रहते थे। हाँ, इसके लिए आप ऐसे कहाँ कहाँ आप इन्हें लेकर गए? बहुत जगह खड़े जी, बहुत जगह। हाँ जी, आइडिया मतलब सियाने बाबू के पास लेकर गए, पैसे भी दिए होंगे? हाँ जी हाँ, पर कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। फिर आपको बताया किसी ने कि आप चर्च जाओ? हाँ जी। यहीं पे आपने शुरू किया कि इससे पहले भी आप चर्च गए कहीं और? नहीं जी, और किधर नहीं गए। साड़ी एक ना भैन इतने आई साड़ी लड़की नू लेके, ते फिर साड़ी लड़की ने इतने ले आया, ले आई है। अच्छा, तो आपकी बेटी यहाँ पे लेकर आई है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और जब से आप आए, पहले तो नहीं, 2 महीने से आप जुड़े हुए ना इस मिनिस्ट्री से? हाँ जी, हाँ जी। और इस थर्सडे के संडे? हाँ जी। हाँ हाँ जी, थर्सडे के संडे। हाँ हाँ जी, वीरवार भी होने रहे पर ऐतका नहीं आए। नहीं, ये कब की हीलिंग हुई इनकी? 17 अक्टूबर है ना, 17 अक्टूबर जब दुष्ट आत्मा इनके ऊपर आया तो ये घर पर फिर से झगड़ा कर रहे थे और है ना, और आप लेकर आए? हाँ जी, ऐतका ऐतवार दी गल है जी। तो ये आ नहीं रहे थे है ना? हाँ, ये दो तीन दिन तो कह रही है भी मैं नहीं उठे जाना, मैं नहीं जाना। हाँ, क्योंकि देखो दुष्ट आत्मा को पता है कि अगर मैं वहां पे, ये वहां पर जाएगी तो मैं इसके अंदर हूं, क्योंकि ये परमेश्वर की जीवित हाजूरी है। यहाँ पे कोई भी अंधकार की दुष्ट आत्मा ही ना, कोई बीमारी ना कुछ, कुछ नहीं रहता जो किसके पास आते हैं। हाँ, तो दुष्ट आत्मा को पता था ये जाएगी, तो इसलिए वो आत्मा इसे रोक रही थी। पर ये आप इसे लेकर आए 17 अक्टूबर की मीटिंग में, और जब दुष्ट आत्मा इनके ऊपर था, हाँ जी है ना, हाँ जी, तो जब इनके ऊपर उस दिन ले हैंड हुई, परमेश्वर की आत्मा ने मेरे बीच में से होकर बोला, और उस दिन से ये फ्री है। और ये सर्वाइकल की रोग कब से था इन्हें, कितने कितने समय से? हो गए 2-3 साल। 3 साल से सर्वाइकल का रोग था और 4-5 साल से पेट में दर्द रहती थी। इसके लिए आपने मेडिसिन भी खाई होगी? बहुत बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा खाई है ना, पर कुछ नहीं हुआ। और जिस दिन से परमेश्वर ने आपको फ्री किया, उस दुष्ट आत्मा से आप बिल्कुल क्या हो, भले अच्छे हो चुके हैं। तारीफ करो इस बात के लिए, इस गवाही के लिए, सब जोर से तारीफ करो, जोर से अपने हाथों को उठाकर। हालेलुया, जोर से, जोर से।